सबका नमस्कार। आज सबको मालूम है कि जो वायनाड में जो बड़ा हादसा हुआ है, बड़ा लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 300 का ऊपर मृत्यु हो गया और 800 फैमिलीज अफेक्ट हुआ और घर मिट्टी में दब गया। अभी भी उधर में रिलीफ का काम चल रहा है। उधर भी पूरा गवर्नमेंट और प्राइवेट आदमी लोग मिलके रिलीफ का अभी भी कर रहा है। ये सिलसिला में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि कल यानी 6 तारीख को 4 बजे हम लोग एक कलेक्शन ड्राइव में जाएंगे और वायनाड लैंडस्लाइड विक्टिम्स रिलीफ फंड सबको हम निवेदन करते हैं कि बढ़ चढ़ के आके इसमें रिलीफ फंड में आप लोग पार्टिसिपेट करना, डोनेशन देना, ताकि हमारा भाई लोग जो केरल में जो वायनाड में जो सफ़र कर रहे हैं, इन लोगों को कुछ अंडमान का तरफ से कुछ रिलीफ मिलेगा। आज 6 तारीख को हम लोग अबेडिन बाज़ार में कलेक्शन करेंगे, 7 तारीख को बबू फ्लैट एरिया में कलेक्शन करेंगे, 8 तारीख को जंगलीगढ़ और बातूबस्ती एरिया में कलेक्शन करेंगे। ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये पार्टी एक इनिशिएटिव लेके कर रहा है, लेकिन ये जो है जनरल पब्लिक बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना, ये कोई पार्टी का फंड में नहीं जा रहा है, ये रिलीफ में जा रहा है। आप सबसे हम निवेदन करता हूं कि आप लोग कैसा भी इसमें पार्टिसिपेट करके अंडमान केरला के साथ जोड़ा है, एकता है करके हम लोग दिखाना। धन्यवाद। मेरे प्यारे द्वीपवासियों, सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। जैसे कि हमारे अभी भास्कर जी ने बताया कि हमारे जो केरल में वायनाड जो क्षेत्र है वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, उसमें हमारे बहुत सारे भाई बंधु है, उनको इफेक्ट हुआ, उन घर धस गए, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। इसी विषय को लेकर हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन जो भास्कर जी, उन्होंने निर्णय लिया कि हम यहाँ पर एक मतलब कलेक्शन ड्राइव करेंगे, जिससे हमारे जो भाई बहन हैं जो इफेक्टेड है उनको कुछ सहारा मिल सके। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, जैसे कि हमारे भास्कर जी ने बताया कि हम ये एक पार्टी का विषय ना होकर ये आम जनता के लिए, जो हमारे भाई बंधु जो इफेक्ट हुए हैं उनको हम एक अपनी तौर पर कुछ छोटा सा एक मदद उनको पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि अंडमान एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक छोटा मिनी इंडिया है। तो केरल के काफ़ी सारे लोग जो हमारे अंडमान में भी रहते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा जो भाईचारा है हमेशा ऐसे बना रहना चाहिए। और मैं आप लोगों से फिर से एक बार अपील करना चाहूँगी कि आप अपना दिल से जो भी होगा हमारे साथ योगदान दीजिए, जिससे हमारे भाई बंधु को मदद मिल सके। धन्यवाद।